बताओ ना मुझे, कहाँ है मेरा मारुति? बोलो ना, कहाँ है मेरा मारुति? बोलो। तुम तो जानते हो ना वो मुझसे कितना प्रेम करता है। यदि तुमको वो मिले तो उसको मेरे पास ले आना। हाँ बोलो, लाओगे ना? हाँ मैं भी उसे ही ढूंढने जा रही हूँ। हाँ मारुति, मारुति, मारुति को ढूंढना है। पिताजी, ये क्या हो गया माँ को? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? मारुति, तुम्हारी माँ ने आवेश में आकर तुम्हें तारा को तो दे दिया, किंतु तुम्हारे विषयों को सहन नहीं कर पाई। माँ बहुत कोमल हृदय की है, वो जितना प्यार मुझसे करती है उतना ही वो तारा मौसी को भी चाहती है। हाँ मारुति, इसलिए इसके मन को गहरी गहरी चोट लगी है और इनकी ऐसी हालत हो गई है। ये किसी को नहीं पहचानती। इनके हृदय की गहराइयों में अब एक ही नाम बचा है, मारुति। बस तुम्हारे नाम की रट लगाए रहती है। पिताजी, अब मैं आ गया हूं, आप चिंता मत कीजिए। पुत्र विच्छो के आघात को पुत्र के मिलन के सुख से ही मिटाया जा सकता है। मैं माँ को ठीक कर लूंगा। मैं अभी जाके माँ को लेके आता हूँ। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। वाला है, वो श्राप कैसे मिटा? नहीं, यह असंभव है, असंभव। बाली को तो निसंतान होने का अभिशाप है, फिर यह कैसे संभव हो सकता है? किंतु सत्य तो यही है राजमाता, और इसके पीछे केसरी पुत्र मारुति ही हो सकता है। क्या तुम बावले हो गए हो? मारुति, वो नन्हा सा बालक कैसे कर सकता है ये सब? उसने ये सब कैसे किया ये तो मैं नहीं जानता, किंतु अपने माता के दिए हुए श्राप को दूर करने वाला केवल मारुति ही हो सकता है। तुम कैसे कह सकते हो? राजमाता, मतंग ऋषि की शिष्या शबरी किष्किंधा आई थी, उसके बाद मारुति 2 दिन तक लुप्त रहा। वो आकाश मार्ग से कहीं चला गया था। अवश्य वो इस समस्या का समाधान करने गया था। मारुति, मारुति, मारुति! मेरा पुत्र कितने वर्षों से उस मारुति की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रहा है, परंतु हर बार असफल हो जाता है, क्योंकि इन देवताओं को ज्ञात हो जाता था कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है। हमें भी ऐसा ही लगता है राजमाता। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। तुम जाओ शुक, और वो मारुति जहां भी रहेगा उसकी पल पल की सूचना मुझे देते रहोगे। जो आज्ञा राजमाता। अब मैं वो करूंगी कि जिसकी कल्पना ये कपटी देवता भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपने तंत्र विद्या से
वो गुप्त मार्ग बनवाऊंगी जिससे होकर मेरा पुत्र दशानन कैलाश पहुंचेगा और महादेव को प्रसन्न कर उन्हें लेकर ही लंका लौटेगा। जिस बात का पता इस सृष्टि में किसी को नहीं चलेगा, किसी को नहीं। हे महादेव, अब आपका लंका में आने का समय हो गया। मेरा पुत्र दशानन आपको लंका में ला कर ही रहेगा और उसे गुप्त रूप से आप तक भेजूंगी मैं केक सी। मारुति, मुझे मेरा मारुति दे दो, मुझे मेरा मारुति दे दो, मुझे मेरा मारुति दे दो। कहाँ है मेरा मारुति? मुझे मेरा मारुति चाहिए, मुझे मेरा मारुति चाहिए, मुझे मेरा मारुति दे दो, मुझे मेरा मारुति दे दो। से चला आऊंगा। माँ, तुम्हारी स्मृति कुछ धुंधला गई है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मारुति, we'll be right back.
अंजना पूर्णतः सचेत अवस्था में अपने कुल देवता पवन देव और आप सबको साक्षी मानते हुए आज अपने पुत्र का त्याग करती हूँ और उसे महाराज बाली और तारा को अर्पित करती हूँ। जागो जागो देवी, जागो 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 शक्ति, जागो दानवी शक्ति मानिकुंबला।